हेलो फ्रेंड्स ई के ट्वेंटी टू नंबर के पार्ट टू में आपका स्वागत है ओके okay? अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जो हम लोगों ने देखा था कि फोर पार्ट्स में जो एक्यूपेशन से वह डिवाइडेड किया गया है वो भी हम देखेंगे फर्स्ट है नेचर बेस ऑक्युपेशन्स देखो नेचर बेस यानी कि जो नेचर यानी कि जो निसर्ग होता है उस पर आधारित जो व्यवसाय किया जाता है उसे कहते हैं नेचर बेस ऑक्यूपेशंस उसके बाद सेकेंड अभी हम देखेंगे सेकेंड उसके बाद सेकेंड है मैन्युफैक्चर यानी के उद्योग उसमें है फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑटोमोबाइल्स मेकिंग पॉट्स मेकिंग क्लॉथ ईटीसी जो उद्योग उद्योग है यानी कि मैन्युफैक्चर उसमें कौन कौन से आते हैं जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि मोटार तैयार करना उसके बाद मेकिंग पॉट्स यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें तैयार करना बनाना उसके बाद मेकिंग क्लॉथ यानी कि कपड़े बनाना ओके उसके बाद जो फर्स्ट देखा हम लोगों ने नेचर बेस्ड यानी कि निसर्ग पे आधारित उनमें कौन कौन से व्यवसाय आते हैं एग्जाम्पल एग्रीकल्चर और फिशिंग फिशिंग यानी कि मच्छी मासे मारी करना और एग्रीकल्चर यानी के खेती करना ये जो है वह नैसर्गिक उद्योग व्यवसाय होते हैं ओके उसके बाद है थर्ड ट्रेड यानी के व्यापार उन उनमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल सीलिंग फार्म प्रोड्यूस यानी के सीलिंग फार्म प्रोड्यूस यानी के खेत का बाजार एंड शॉप कीपिंग यानी कि होता है वह चीज लाके हमें प्रोवाइड करता है ये जो उद्योग होते हैं यह किस में आते हैं ट्रेड यानी के उद्... ट्रेड यानी के व्यापार ओके फोर्थ है प्रोवाइडिंग सर्विस यानी कि सेवा पूरा सेवा जो होती है उन्हें प्रोवाइड करना एग्ज़ाम्पल दो गिवन बाय अ टीचर फॉर एग्जाम्पल टीचर एंड अ डॉक्टर अ बैंक डॉक्टर एंड बैंक यानी कि देखो जो टीचर होते हैं वह आपको क्या करते हैं क्या करते हैं आपको टीचिंग कराते हैं। यानी कि जो गाइडलाइन टीचिंग करना उनका काम होता है यानी वह हमें सेवा प्रोवाइड करते हैं और उनके द्वारा हम क्या करते हैं टीच करते हैं ओके अभी हम देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती होती है उसका महत्व हम लोगों को अभी जानना बहुत जरूरी है ओके एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री देखो एग्रीकल्चर यानी कि खेती देखो बच्चों हम लोगों से खेती से ज़्यादा लगाव नहीं होता है लेकिन खेती ही ऐसा व्यवसाय है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो कैसे होता है वो भी हम आगे देखेंगे एवरी वन इन द कंट्री गेट्स फूड बिकॉज फार्मर्स वर्क इन द फील्ड देखो एवरी वन जो सब हमारे भारत के इंडिया के सारे लोग होते हैं उनको क्या मिलता है फूड मिलता है यानी कि खाना मिलता है हम लोगों ने कभी ऐसा ब्रेन में हमारे ब्रेन में कभी आया कि ये खाना हमें कैसे मिलता है कहाँ से मिलता है तो वह खाना हमें कैसे मिलता है किसके वजह से मिलता है बच्चों फार्मर्स वर्क इन द फील्ड क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वह क्या करते हैं बच्चों रात दिन खेती में मेहनत करते हैं और फसल उगाते हैं और वह बेचारे मेहनत करते हैं और उनके कारण हमें दो दो टाइम का खाना मिलता है क्योंकि अगर फार्मर में सब ऐसा कहा सब लोगों ने ऐसा ही ठान लिया कि हमें जॉब ही करना है हमें खेती किसी को भी नहीं करनी तो देखो बच्चों हमारा भारत हमारे भारत के हर एक सदस्य को निवाला मिलना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि अगर कोई भी इंसान खेती नहीं करेगा तो फसल आएगी क्या नहीं इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यवसाय कौन सा है खेती क्योंकि खेती के माध्यम से ही हमें क्या मिलता है फूड मिलता है जो फार्मर्स होते हैं वह खेत में फसल उगाते हैं और उस फसल की वजह से हमें हर इंडिया में फूड को प्रोवाइड किया जाता है इसीलिए हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट व्यवसाय कौन सा है बच्चों? एग्रीकल्चर यानी कि खेती और वह कैसे वो भी हम आगे देखेंगे अवर फूड इंक्लूड्स आइटम्स सच एज भाकरी चपाती राइस दास वेजिटेबल्स एंड सलाड्स देखो जो फार्मर्स अपने फार्म में फसल बनाते हैं उसके वजह से हमें क्या मिलता है हमारे खाने में क्या क्या मिलता है भाकरी उसके बाद चपाती सब्जी रोटी यह हमें उस फसल के कारण ही मिलती है क्योंकि हमारे खेत में क्या क्या आता है चावल आते हैं गेहूँ आते हैं बाजरा आता है और उस उसके वजह से हम लोग अलग अलग आइटम बना के खा सकते हैं अगर किसान ने अनाज बनाना ही अनाज बोना और फसल उगाना ही बंद कर दिया तो हमें यह सब चीज़ें नसीब होंगे क्या नहीं इसीलिए खेती बहुत इंपॉर्टेंट व्यवसाय हमारे लिए है क्योंकि उसके वजह से ही हमें यह सर सारे, सारे चीज़ें नसीब होती है दिस आइटम्स आर प्रिपेयर फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोम इन द फील्ड्स और जो भाकरी चपाती होती है यह हमें कहाँ से मिलते हैं यह सब हमारे खेत में पकाए जाते हैं और उनके वजह से हमें सब ग्रेन्स हम लोग हासिल कर सकते हैं क्रॉप्स लाइक जॉर बाजरा व्हीट राइस पल्सेस एज वेल एज लेपी वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स देखो हमें जो हमारा खेत होता है उस खेत में से क्या क्या मिलता है बाजरी गेहूँ चावल उसके बाद जो लेफी वेजिटेबल जो पाले भाजा होती है उसके बाद फ्रूट भी हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों खेत में से ही हमें मिलते हैं और उसके वजह से ही हम लोग यह सब खा सकते हैं उसके बाद अदर नीड्स आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ थ्रो फार्मिंग देखो और उसके साथ ही साथ हमें खेत से सिर्फ खाना ही मिलता है क्या नहीं उसके साथ साथ अलग अलग व्यापार भी हम लोग खेती से खेती के माध्यम से कर सकते हैं वह कौन से फॉर एग्जाम्पल वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन देखो हमें शुगर कहाँ से मिलती है बच्चों शुगर कैन यानी कि गन्ना और गन्ना कहाँ से मिलता है हमें खेत में से और उस गन्ने का हम लोग क्या निकालते हैं रस और उससे हमें शुगर भी मिलती है यदि खेत में गन्ना ही नहीं बोया तो हमें शुगर मिलेगी क्या नहीं इसीलिए खेती खेती में अलग अलग व्यवसाय भी हमें खेती के माध्यम से प्राप्त होते हैं उसके बाद टेक्सटाइल्स मेड फ्रॉम कॉटन आर यूज टू मेक गारमेंट्स गारमेंट यानी के कपड़ा कॉटन यानी के कापूस उसके साथ साथ जो हमें गन्ने से शक्कर मिलती है उसके बाद कॉटन यानी कि कपास कपास के द्वारा हमें क्या मिलता है बच्चों क्लॉथ यानी कि कपड़ा क्लॉथ के वजह से ही हम लोग कपड़े बना सकते कॉटन की वजह से ही हम लोग कपड़े बना सकते हैं और वह हमें कहाँ से मिलता है कॉटन भी खेत में से ही मिलते हैं और उसके बाद बाद फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स इन ऑल्सो कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल देखो मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधि वनस्पति ये भी हमें कहाँ से मिलती है खेत में से ही मिलती है बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटी होती है बच्चों की जो हमें खेती में से प्राप्त होती है यानी के खेत में से हमें सिर्फ अन्न ही नहीं मिलता है यानी के अलग अलग व्यापार उद्योग भी हम लोग खेती के माध्यम से कर सकते हैं उसके बाद गन्ने के द्वारा हमें शक्कर मिलती है कपड़े मिलते हैं वो भी हमें खेती के द्वारा ही मिल पाते हैं इसीलिए हमारे जीवन में दैनंदिन जीवन में जॉब के साथ साथ हमें खेती बहुत इम्पोर्टेंट होती है उसके बाद एग्रोबेस ऑक्यूपेशंस यानी के जो खेती है उससे पूरक व्यवसाय कौन कौन से वह भी हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैन बी यूज टू अंडरटेक मेनी अदर ऑक्युपेशंस देखो जो खेती होती है उसके माध्यम से जो बहुत सारे चीज़ें हमें प्राप्त होती है और उनके द्वारा हम लोग अलग अलग पूरक व्यवसाय भी हम लोग कर सकते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखना है देखो फोडर फोडर यानी कि जो चारा होता है जो हम काऊ बफेलोस के लिए यूज करते हैं वह फोडर इज क्रिएटेड इन फील्ड्स देखो जो फॉर्डर होता है जो हम जानवरों को जो चारा खिलाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है बच्चों वो भी हमें का खेती में से ही मिलता है और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं इट इज़ यूज टू फीड काउस बफेलोस एंड शीप हम लोग जिस तरह हमारा चपाती भाकरी भोजन होता है उसी तरह जो जानवर होते हैं उनका भोजन कौन सा होता है बच्चों चारा और वह चारा हमें कहाँ से मिलता है हमारे फार्म में से ही मिलता है दस एज वी कल्टिवेटी जो चारा होता है वह भी हमें मिलता है और उसके हिसाब से हमें जो जानवर होते है वो भी हम लोग वहां पे ही पाल सकते हैं हमारे खेत में ही उनका संगोपन हम लोग कर सकते हैं कल्टिवेट द लैंड वी कैन रेज दिस मिल्क मीट एंड लेदर फ्रॉम एनिमल्स और हम लोग खेती के साथ साथ जो जानवर होते हैं उनको भी पाल सकते हैं और उनके द्वारा हमें क्या क्या मिल सकता है बच्चों मिल्क यानी के दूध मीट एंड लेदर मिल्क भी मिल सकता है मीट भी मिल सकता है यानी कि मांस मच्छी भी हम हम लोगों को उस जानवरों के द्वारा मिल सकते हैं ग्रेन इज ग्रोन ग्रोन इन फील्ड्स उसके बाद, बाद जो ग्रेन होता है उन उनके माध्यम से वह जो ग्रेन होता है वो भी हम लोग किसे खिला सकते हैं हेन को इट कैन बी यूज टू फीड चिकन्स जो हेन्स होते हैं जो उसे भी हम लोग वह ग्रेन खिला सकते हैं और उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे खेत में ही पाल सकते हैं फ्रूट ग्रोन ऑन फार्म्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर स्क्वेशेस जाम्स एंड जेली देखो हम लोगों को खेती के द्वारा बहुत सारे चीज़ें मिल सकते हैं वह कौन कौन से वो भी हम यहाँ पे देखेंगे देखो खेत के द्वारा खेत में जो फ्रूट्स आते हैं बच्चों उस फ्रूट से हम लोग क्या क्या तैयार कर सकते हैं जूस उसके बाद जैम जेली ये जो चीज़ है जो पदार्थ है यह हमें किससे मिल सकते हैं जो खेती में फ्रूट्स आते हैं उसके द्वारा हम लोग उसे निकाल सकते हैं और उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं व्यवसाय जूस का भी शॉप हम लोग डाल सकते हैं और उससे हमारा व्यवसाय भी हो सकता है शीप रेरिंग पोल्ट्री एनिमल्स हजबेंड्री एंड फ्रूट प्रोसेसिंग आर ऑल ऑन एग्रीकल्चर्स और उसके बाद जो शेड़ी पालन होता है जो पशु पालन होता है वो ऐसे जो व्यवसाय है वो भी हम लोग उस खेती के माध्यम से कर सकते हैं क्योंकि अगर हम लोगों ने उस खेती में अलग अलग एनिमल हजबेंड्री यानी कि पशु पालन पोल्ट्री यानी कि कोमड़ी पालन देखो यहाँ पे दिया गया है क्या है एनिमल हस्बेंड्री देखो एनिमल हस्बेंड्री यानी के उसे हम कहते हैं पशु पालन उसे हम कहते हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं उसके बाद पोल्ट्री शीप रेरिंग पोल्ट्री यानी के पोल्ट्री यानी के, के कोम जो हेंस होती है उसका भी पालन हम लोग उस खेत में ही कर सकते हैं और एनिमल हस्बेंड्री यानी के पशु का पालन भी हम लोग उसी खेत में कर सकते हैं और ये जो व्यवसाय है वह किस पे डिपेंड होते हैं खेती पे इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों एग्री उसे हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एग्रो बेस ऑक्यूपेशन इसे हम कहते हैं क्षेत्र पूर्व व्यवसाय क्योंकि ये जो व्यवसाय है यह सब किस पे डिपेंड होते हैं खेती पे अगर हम लोगों ने खेती में हेंस का पालन किया उसके बाद कुक्कुट पालन किया पशुपालन किया तो जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे कहा रहते हैं खेत में ही रहते हैं उसका पालन भी होता है और उसका जो संगोपन होता है वो भी खेती के द्वारा होता है खेत में ही पानी चारा हम लोग दे देते हैं और उसे कौन क्या कहते हैं इस व्यवसाय को शेतीपूर्वक व्यवसाय कहा जाता है ओके सम विलेज आर फैमिली बिजनेसेस देखो जो ग्रामीण एरिया के लोग होते हैं वह व्यवसाय करते ही है हर एक इंसान क्या करता है बच्चों व्यवसाय करता है वो भी अच्छे तरीके से समटाइम्स पीपल कैरी ऑन द वर्क दैट देयर फादर एंड ग्रैंड फादर डीड बिफोर देम हाउ एवर इन अवर कंट्री वी कैन चूज द जॉब वी वॉन्ट टू डू और जो ग्रामीण एरिया के लोग है वह क्या करते हैं अनेक व्यवसाय करते हैं और जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं जो फादर यानी हमारे दादाजी हमारे आ, हमारे पापा जो काम करते हैं वही काम आगे उनके जो आ, उनकी उनके जो बच्चे होते हैं वो कंप्लीट करते हैं यानी कि जो हम कहते हैं परंपरा, जो हमारे दादाजी हमारे परदादाजी, हमारे पापा वर्क करते हैं वही वर्क उनके बच्चे कंटिन्यू करते हैं और ऐसा करते थे लेकिन अब ऐसा ज़्यादा लोग नहीं करते हैं क्योंकि अब हमारा देश बहुत बड़ा हो गया है इसीलिए जिस इंसान को जो व्यवसाय अच्छा लगता है पसंद होता है वही व्यवसाय वे, वे, वह करते हैं यानी कि ज़्यादा फोर्स उन पर नहीं रहता है कि आपने आपके दादा ने जो व्यवसाय किया है वही आप कंटिन्यू करो ऐसा फोर्स उन्हें नहीं रहता है जो व्यवसाय उन्हें पसंद हो जो काम उसे ज़्यादा पसंद हो वो काम आज वह लोग कर सकते हैं ओके इसी प्रकार अलग अलग टाइप्स होते हैं और उस प्रकार ऑक्युपेशन के द्वारा हमारे लाइफ में हम हमारा जो कालक्रमण होता है वह पूरा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भाग है खेती खेती पे ही डिपेंड सब चीज़ें हमें मिलती है और खेती पे ही बहुत सारे व्यवसाय डिपेंड होते हैं इसीलिए हमें जो फार्म होता है जो फार्मर होता है उसके बारे में भी बहुत विचार करना चाहिए और सच है आज उनके कारण ही हमें अच्छा अच्छा भोजन मिलता है वह फसल उगाते हैं और सारे भारत में प्रोवाइड करते हैं इसीलिए उनका बहुत धन्यवाद ओके अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या दिया है ओके